भारत माता की, भारत माता की, पीछे तक आए, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, प्रदेश के अध्यक्ष, जिनको अभी आपने सुना, जिनके मन में कुछ करने की तड़पन आप देख रहे हैं, ऐसे हमारे पार्टी के अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद बैरवा जी, जोगाराम पटेल जी, हीरालाल नागर जी और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद सम्माननीय घनश्याम तिवारी जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय अरुण चतुर्वेदी जी, सम्माननीय पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक परनामी जी, हमारी सांसद बहन मंजू शर्मा जी, भीलवाड़ा के सांसद और हमारी पार्टी के महामंत्री दामोदर अग्रवाल जी, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी, विधायक कैलाश वर्मा जी, गोपाल शर्मा जी, बाल मुकंदाचार्य जी, महेंद्र पाल मीणा जी, राम अवतार बैरवा जी, हमारी पार्टी की प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत जी, महापौर हेरिटेज कुसुम यादव जी, उपमहापौर ग्रेटर पुनीत कर्णावत जी, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा जी, पार्टी के उपाध्यक्ष मुकेश धातिक जी, प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राघव शर्मा जी, श्याम शर्मा जी, राजेश गुर्जर जी, श्रीमती सुमन शर्मा जी, प्रेम सिंह जी और मंच पर विराजमान सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मेरे सामने बैठे मेरे मोतियों से महंगे मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, मेरे सांसद विधायक पार्टी के सभी पदाधिकारी जिला अध्यक्ष, आप सभी का मैं सबसे पहले तो मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं, क्योंकि यह इस पार्टी में ही देखा जाता है और यही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ऊपर से लेकर के नीचे तक एक कार्यकर्ता के रूप में काम करती है। और वो कार्यकर्ता जब उसको कोई भी काम करने का जिम्मेदारी दी जाती है तो उस जिम्मेदारी को वो पूरा करता है। मेरे सामने मेरे कई हमारे विधायक खड़े हैं, उदमा पीछे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पार्टी के संकल्प पत्र में जिसे लेकर के हम राजस्थान की जनता के पास गए थे, हम उस एक संकल्प पत्र को पूरा करने का काम करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपने देखा होगा हमारा पिछला बजट आया था, हमने राजस्थान के अंदर हमारी 200 विधानसभा है, हमने किसी भी विधानसभा को अछूता नहीं छोड़ा था, हमने जो आवश्यकता थी, जो हमारे कार्यकर्ता ने कहा था, उस आवश्यकता की पूर्ति करते हुए हमने वहां हर विधानसभा में बजट देने का काम किया, हर विधानसभा में बजट देने का काम किया। आपने देखा होगा 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे राज्य को क्या थी। हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने उनसे आग्रह किया
कि राजस्थान में सबसे बड़ी बात जो हमें दिक्कत होती है वो पानी की होती है। तो हमारे पानी की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने देख लिया हमारी ईआरसीपी पर हमारी एमओयू हुआ, डीपीआर बन गई, कुछ दिनों में उसका उद्घाटन भी होने वाला है और एमओए भी होने वाला है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हमारा शेखावाटी का इलाका था, माननीय घनश्याम जी भाई साहब बैठे हैं, 40 साल और 50 साल से शेखावाटी यमुना की पानी की मांग कर रहा था। मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा, मैंने कहा किसी ने अगर उस पानी की चिंता की तो सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत ने की थी, कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने नहीं की थी। और कई लोगों ने मेरे से कहा कि आपने विधानसभा में कहा कि कांग्रेस ने कोई पत्र नहीं लिखा, मैंने कहा आज भी कह रहा हूं, कई लोगों ने कहा था कि उस तारीख को कांग्रेस के लोगों ने पत्र लिखा, मैंने कहा वो पत्र मेरे को दिखा दीजिए, आज तक कोई पत्र नहीं दिखाया, और अगर पत्र दिखाते तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी अभी हरियाणा के चुनाव हुए हैं और हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस ने जो मुद्दा लिया था, क्योंकि हमारी मां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यमुना का पानी देने का हमसे वायदा किया और उन्होंने एमओयू किया हमारे साथ में, लेकिन कांग्रेस ने हरियाणा के घोषणा पत्र में क्या लिखा वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस तरह की ये बातें करते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि जो राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना समझौता हुआ है, अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो उस समझौते को रद्द करेंगे। मैं हरियाणा में कह करके आया था कि यह तुम्हारा सपना है, जब आओगे तभी तो रद्द करोगे, जब आओगे नहीं तो क्या रद्द करोगे। और मैं कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनके मन का भाव निकल गया कि यह कहना चाहते थे कि अगर हमारी सरकार आई तो हम यमुना समझौते को रद्द करेंगे। मैं शेखावाटी के लोगों से जो आए हुए मैं कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, इनके मन में यह तड़पन है कि शेखावाटी के लोग यमुना का पानी नहीं पी लें, यमुना का पानी नहीं पी लें। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इनका देख लिया आपने कि किसी तरह की इन्होंने संवेदना अगर राजस्थान के प्रति दिखाई हो, इसलिए मैं कहना चाहता हूं हमने पानी की व्यवस्था सबसे पहले की है। और अब मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले अगर मेरी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से बात हुई तो यमुना समझौते की हुई है, हमारा शेखावाटी में पानी आएगा और हमारे शेखावाटी के लोग यमुना का पानी पिएंगे और हमारी जमीन के लिए भी उपयोगी होगा, हमारा सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे मन में जो सपना था, जो हमने विचार किया था और राजस्थान को हम आगे ले जाना चाहते हैं, हमने बिजली के क्षेत्र में काम किया, 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू हमने बिजली में किए हैं और अभी लगातार आ रहे हैं। हमने किसान को वायदा किया है कि 2027 तक हम दिन में बिजली देंगे, किसान के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराएंगे, उद्योग के लिए बिजली उपलब्ध कराएंगे। आज भी मैं दोहराना चाहता हूं कि हम किसान को 2027 में पूरी बिजली देंगे और दिन में बिजली देंगे, क्योंकि पांच साल के अंदर एक बाट बिजली भी पैदा नहीं की कांग्रेस के लोगों ने। और लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह के हमारे समझौते हो रहे हैं, हमारा काम आगे बढ़ रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमने राजस्थान के युवाओं से वायदा किया था और जिस दिन हमने घोषणा की थी विधानसभा के अंदर, कांग्रेस के लोग मेरे से कह रहे थे कि आप किस तरह से करोगे, आपने कहा है कि 4 लाख
नौकरी सरकारी देंगे, 6.5 लाख 6 लाख नौकरी आप प्राइवेट तौर पर देंगे। मैंने कहा आप देखते जाइए, कोई हवा में बात नहीं करते हैं, आपकी तरह झूठे वादे नहीं करते हैं। और आज भी मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि अगर आपके बीच में वादा करके आ रहा है किसी भी काम के लिए, निश्चित रूप से वो काम पूरा होगा, ये मैं आप सभी को विश्वास दिला रहा हूं। अगर हमारे